हर गरीब को घर, उस घर में टॉयलेट और उस घर में एलपीजी कनेक्शन, ये थी बड़ी बात जो मोदी सरकार ने 2019 में की, जिसके बलबूते पर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने 2019 में। पर अब जब हम 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो शायद मुद्दे जो हैं वो बदल चुके हैं। तीन नए मुद्दे मोदी सरकार के वेलफेयर की स्कीम पे जब हम बात करें वो आगे दिए जा रहे हैं। क्या है ये तीन नए मुद्दे? मैं हूं अमन शर्मा और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो चीजें 2019 में चली उनके ऊपर मोदी सरकार ने कैसे इंप्रूवमेंट किया है कि 2024 में उस नैरेटिव को और आगे ले जाया जाए, वेलफेयर इनिशिएटिव को और आगे ले जाया जाए। पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो आई थिंक मोदी सरकार 2024 में बड़े तरीके से पैमाने पर ला रही है और ऑलरेडी रोल्ड आउट है, वो है फ्री राशन। जब तक 2023 खत्म होगा तकरीबन 80 करोड़ लोग इस देश में पिछले 40 महीने से सरकार से फ्री राशन पा रहे हैं। ये कोविड पैंडेमिक के दौरान शुरू हुआ 2020 में, जब सरकार ने पहली बार फ्री राशन देना शुरू किया फैमिलीज को, पुअर फैमिलीज को, और ये बढ़ते बढ़ते पिछले महीने ही इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब जो सब्सिडाइज राशन है वो भी फ्री में दिया जा रहा है। तो 80 करोड़ लोग जो कि 40 महीने तक सरकार से फ्री राशन लेंगे, क्या ये लोग मोदी सरकार में ही दोबारा अपना भरोसा जताएंगे जो 2024 का चुनाव आए? बीजेपी को ये लगता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, घर घर पानी, हर घर जल स्कीम जो है, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री जिसको इंप्लीमेंट कर रही है, पहली मेजर वेलफेयर स्कीम थी जो मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म में इसको लॉन्च किया। अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। जब ये लॉन्च की गई थी तो इस देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों में पीने का पानी आता था। आज की डेट में जब हम आज बात कर रहे हैं 2023 में जनवरी में, तो 11 करोड़ तक घरों तक पानी का जल पहुंच चुका है। आप अपने तरीके से पानी का जल पी सकते हैं और 2024 तक इस पूरे टारगेट को 19 से 20 करोड़ घर जो देश में टोटल है उन सब तक हर घर जल लाने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो क्या ये पूरा हो सकता है? 2023 में इस स्कीम में काफी तेजी आई है और सरकार को लगता है कि घर घर अगर पानी पहुंचता है, फ्री पानी पहुंचता है, लोगों की बीमारी दूर होती है। जो देश भर में हमारी महिलाओं को मीलों तक चल के गांव में पानी लाना पड़ता था, अब अगर घर में पानी आता है तो ये एक बड़ा वेलफेयर इनिशिएटिव। तो राशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इस बार मुद्दा सरकार बनाने जा रही है 2024 के चुनाव में, वो है फ्री पानी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है, वो है पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, जो कि है फ्री इलाज। 2018 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर में, 2019 का चुनाव आने ही वाला था, पर पिछले उसके बाद 2019 के बाद ये स्कीम में काफी तेजी आई है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 4.5 करोड़ लोग इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। तकरीबन 50,000 करोड़ से ऊपर रुपए इस स्कीम पे खर्चे जा चुके हैं। इस स्कीम में हर गरीब परिवार जो है 5 लाख रुपए तक का फ्री वार्षिक मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है फ्लोटर पूरी फैमिली के लिए। इस स्कीम की भी अपटेक बहुत हाई है, लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और बहुत लोग इसको ले रहे हैं। जैसे पीएम मोदी ने अपनी कई भाषणों में कहा है कि पुराने जमाने में जब गरीब परिवार पे बीमारी आती थी तो वो परिवार उस बीमारी को निजात पाने के लिए कर्ज में डूब जाता था, पर अब सरकार की ये जो स्कीम है उसके अंदर एक गरीब परिवार ना सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में बड़े किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जो इम्पैनल्ड है उसमें जाके भी अपना फ्री में इलाज करा सकता है। अब चाहे ऑपोजिशन इसको, जैसे बीजेपी ने ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को रेवड़ी पॉलिटिक्स कहा है कि रेवड़ीज बांटी जा रही है, फ्री भी बांटी जा रही है, तो वही चार्ज जब बीजेपी पे आता है कि आप भी तो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि हमारी जो स्कीम है ये रेवड़ियां नहीं है, इससे रियली लोगों को एम्पावरमेंट मिलता है, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है। इस बूते पे बीजेपी इलेक्शन में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जो बात 2019 में थी टॉयलेट की, सिलेंडर की, घर की, 2024 में जो तीन बड़े मुद्दे आएंगे वो है पानी, वो है आपका राशन और तीसरा है फ्री मेडिकल इंश्योरेंस। क्या ये चीजें बीजेपी के लिए ट्रिक कर पाएंगे, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री 2024 में इस वेलफेयर मॉडल पे बन पाएंगे, ये देखने की बात है। पर चुनाव आते आते बातें क्लियर होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड, पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।